शाहीन बाग में करंट लगाने से लेकर देश के गद्दारों को कोई कार्रवाई हुई किसी के ऊपर? यहाँ पर सबको आईने में देखना होगा कि चेहरा कितना विकृत होता जा रहा है हमारा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी उस वक्त उनके हाथ में थी वो चला रहे थे, आज लाठी आपके हाथ में है, आज आप चला रहे हैं। सुनिए ना, अप्रैल में जिग्नेश भवानी को उठाकर ले जाती है, जमानत मिल जाती है तो एक और केस दर्ज कर देती है। मेरे घर पे दबिश दे दी गई, तो कांग्रेस से सीख लिया आपने ये? तो चलिए शुरू करते हैं। ये राजनीतिक युद्ध है या ये सीधे सीधे कानून का बेजा इस्तेमाल है कि आप कुछ बोलोगे हमारे खिलाफ, हम पुलिस को आपके पीछे छोड़ देंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। हैदराबाद का मुकदमा मैंने झेला। दोस्तों, ये कानून का बेजा इस्तेमाल ही नहीं बल्कि बदले की कार्रवाई और देश का बेड़ा गर्क करने का मकसद है। इसलिए सारे जांच एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल हो रहा है, इस पर किसी के जवाब नहीं मिलेंगे। पुलिस गिरफ्तार कितनी बार आई? हर बार गिरफ्तार, 40 बार गिरफ्तार हुए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और अच्छा किया ये गिनवाया आपने। यहाँ पर सबको आईने में देखना होगा कि चेहरा कितना विकृत होता जा रहा है हमारा। जी। मैंने दूसरा सवाल इसीलिए कोट अनकोट कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सही पकड़े हैं। तो लाठी उस वक्त उनके हाथ में थी वो चला रहे थे, आज लाठी आपके हाथ में है, आज आप चला रहे हैं क्या? ये हो रहा है क्या? हकीकत कड़वी हकीकत ये है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन शरद पवार के कहने पे हुआ होगा, ऐसा मैंने आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है। अच्छा, भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला अपनी गिरफ्तारी की कहानी सुनाने लगता है तो संदीप जी खरी खरी सुना देते हैं। विकृत चेहरा और जिसकी लाठी उसकी भैंस तक बोल देते हैं, जिसके बाद भाजपा प्रवक्ता मिमियाने लग जाता है। ये मैंने कभी दावा नहीं मतलब किया। असम पुलिस इतनी तुरंत तुरंत कार्रवाई करती है बनासकांठा से पिछले साल। सुनिए ना, अप्रैल में जिग्नेश भवानी को उठाकर ले जाती है, समझ रहे हो जमानत मिल जाती है तो एक और केस दर्ज कर देती है। आज वही असम पुलिस दिल्ली में हवाई अड्डे पर पट्टी पर जाकर पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस भी आजकल किसके इशारों पर काम कर रही है ये भी पूरे देश को पता है, तो इस पर भी गोलमोल करने का मतलब पूरा देश समझ रहा है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। शनिवार के दिन समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, मंडे मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, मैं पहले कोर्ट में चला गया, मेरे यहाँ घर पे दबिश दे दी गई। तो कांग्रेस से सीख लिया आपने ये? हाँ भाई हाँ। ये नहीं सीख रही, बता रहा हूँ ये पुलिस की गतिविधियां बता रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आप तो पार्टी के तो डिफरेंस थे, बदलने आए थे पूरा तरीका। नहीं ये नहीं तरीका नहीं है। प्रेम शुक्ला अपनी कहानी जबरदस्ती लाने की कोशिश करता है तो संदीप जी फटकार लगा देते हैं और कहते हैं कि बदलने आए थे पूरा तरीका। तो इस पर प्रेम शुक्ला की जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। पर ये अपमानजनक भाषा बयान एक तरफ कार्रवाई को न्योता देते हैं, दूसरी तरफ नजरअंदाज कर दिए जाते हैं क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये भी हो रहा है क्या? इसलिए मैंने नुपुर शर्मा, तेजिंदर सिंह बग्गा और कालीचरण तथा कथित महाराज का भी जिक्र किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बहुत बढ़िया किया आपने। नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो है इस मामले में उनको रिलीफ दिया है कि नहीं दिया है? और जब संदीप जी भाजपा के दंगाई और नफरती नेताओं का जिक्र करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में ले आता है ये प्रेम शुक्ला। पर इस बारे में भी पूरे देश को पता है कि सारे भाजपाई कितने बड़े नफरती चिंटू हैं। ये इस तरह का जो नैरेटिव है ना, ये डेंजरस है। ये नैरेटिव कौन बना रहा है? नुपुर शर्मा ने बात उठाई आपने, ये फंस गया। सिद्दीक कप्पन था या एक नोटबुक दो पेन लेकर वो पाया गया हाथरस मामले को रिपोर्ट करने जा रहा था, लगभग 2 साल जेल में डल गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। यूएपीए भी लगा, पीएमएलए भी लगा। देखो तो जरा नैरेटिव की बात कौन कर रहा है? वो जो हमेशा नैरेटिव सेट करने और पूरे देश में नफरत फैलाने में लगा रहता है। सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी और उन पर यूएपीए के सवाल पर प्रेम शुक्ला की बोलती बंद हो जाती है और बेशर्मी के साथ अफजल गुरु का जिक्र शुरू कर देता है। आजम खान भड़काऊ बयान दिए, सदस्यता ही निरस्त हो गई, विधायकी ही चली गई। सही पकड़े हैं। शाहीन बाग में करंट लगाने से लेकर देश के गद्दारों को और गोली मारो और वगैरह वगैरह वो बयान देने वाले देश के गृह मंत्री से लेकर आज देश के सूचना प्रसारण मंत्री और आपके सांसद हैं प्रवेश वर्मा, कोई कार्रवाई हुई किसी के ऊपर? सही पकड़े हैं। संदीप जी यही नहीं रुकते बल्कि शाहीन बाग में करंट और देश के गद्दारों वाला जैसे नफरती बोल बोलने वाले बेशर्म नेताओं पर कार्रवाई न होने पर भी सवाल उठाते हैं। तो इस पर भी भाजपा के प्रवक्ता की बेशर्मी देखिए, यानी इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाने की कसम खा रखी है। गद्दारों को गोली मारने की बात करना ही अपराध है। अच्छा, ये भारतीय लोकतंत्र नहीं होता।
से वो गद्दार को मारा ही जाना चाहिए, फांसी पर लटकाने की परंपरा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।